हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब भाई? हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी अभी टाइम हो चुका है मॉर्निंग के 7:30 जब मैं सो के उठ चुकी हूँ। अभी मैं करी अपने लिए पानी गर्म। चलिए मैं एक बार पानी गर्म कर लेती हूँ, मंजीत को दे देती हूँ, मैं पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैं गूंद रही हूँ आटा। हाँ जी, तो आटा तो मेरा लग गया। अब मैं काटूंगी प्याज टमाटर हरी मिर्ची। आज मैं बनाऊंगी प्याज टमाटर की चटनी, चलिए दिखाती हूँ आपको भी। कट गई हैं सारी चीज़ें, चलिए अब मैं करती हूँ तैयारी आगे। प्याज मेरी गल गई है। हाँ जी, तो ये हो चुका है मेरा डन। अब मैं इसको पकाऊंगी ढंग। तो मंजीत का लंच मैंने पैक करके दे दिया, उनके लिए बना रही हूँ मैं चाय। मैं खाऊंगी ये चाय, मैं नहीं पीऊंगी, अब मैं ये खाया करूंगी सुबह सुबह। हाँ जी, तो टाइम हो चुका है सुबह के 10। मैं नहा के आ गई, मैंने अपनी पूजा कर ली, अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। चाय पीऊंगी उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगी, खाना देखूंगी दोपहर में, अभी तो फिलहाल खाऊंगी। तो चलिए एक बार मैं चाय बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। चाय तो मैंने बना ली, अब मैं पीऊंगी अपनी चाय। हाँ जी, तो अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1:30, अब मैं खाऊंगी अपना खाना। चलिए खाना डाल कर लेकर आती हूँ। मैंने सुबह बनाई थी प्याज टमाटर की चटनी और रोटी, गुड़ और लस्सी और ले आती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब भाई? आप सब बहुत अच्छे। हाँ जी, तो ये ब्लॉग मेरा कल से ही चल रहा है, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल दोपहर के बाद मैंने शूट कुछ किया ही नहीं, तो आज ही नेक्स्ट मॉर्निंग है, मतलब सैटरडे की मॉर्निंग है। तो चलिए आप सब बने रहिए, अभी तो फिलहाल मैंने गर्म पानी पिया है। हाँ जी, तो अभी मैं गोभी को गर्म पानी में डाल रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी, चलिए दिखाती हूँ आप। तो गोभियों को मैंने डाल दिया गर्म पानी में। लगाऊंगी आटा, चलिए मैं आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। आलू गोभी तो मैंने निकाल दी इस जाली वाले में, ताकि इसका सारा पानी नीचे उठ जाए। मुझे ही करनी है फ्राई, तब तक मैं काटती हूँ प्याज टमाटर हरी मिर्ची। चलिए, तो जी कढ़ाई हो चुकी है मेरी बहुत ज़्यादा गर्म, आप सब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रेड हो गई है। ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं इसमें डालती हूँ आलू गोभी। हाँ जी, तो आलू गोभी को मैं करूँगी फ्राई, तब तक जब तक कि आलू गोभी में गोल्डन सी लेयर नहीं आ जाती। एक गोल्डन सी लेयर आए तब तक ही बस मैं इनको फ्राई करूंगी। आलू गोभी मेरे हो चुके हैं फ्राई, अब मैं करूंगी सब्जी में तड़के की तैयारी, चलिए दिखाती हूँ। मैंने घी, जीरा और प्याज डाल दिए। तो टमाटर डाल दिए, टमाटर के ऊपर मैंने इसमें नमक डाल दिया। 2 मिनट ढक के पकाती हूँ, उसके बाद डालती हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची और हल्दी भी मैंने इसमें डाल दी, इसको मैंने 3 मिनट पका लिया। अब मैं इसमें डालूंगी आलू और गोभी। एक बार मैं मसाले को मिक्स कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। आलू गोभी को मैंने मिक्स करके रख दिया ढक के पकने के लिए, इसको मैं ढक के पकाऊंगी 10 से 12 मिनट। तवा रख दिया मैंने, अब मैं बनाऊंगी रोटियां। आटा मेरा लग ही चुका था, चलिए मैं रोटियां बनाती हूँ। सब्जी हो चुकी है मेरी तैयार, अब मैं करूंगी मंजीत का लंच पैक। चलिए मैं एक बार मंजीत का लंच पैक कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब मैं बना रही हूँ चाय, तब तक चलते मंजीत के पास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसी शक्ल काहे को बनाए हो? एक बार टाइम हो चुका है सुबह के 10। मैं नहा के आ गई, मैंने अपनी पूजा कर ली, अब मेरे पास कुछ काम है, 1 घंटा करूंगी मैं स्टडी, उसके बाद मिलती हूँ। तो जी अभी टाइम हो चुका है 12:00, अब मैं कर रही हूँ अपना लंच, चलिए दिखाती हूँ आपको भी। हाँ जी, तो लंच में मैं खाऊंगी आलू गोभी की सब्जी, शक्कर और रोटी, चलिए मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गुड इवनिंग, अभी टाइम हो चुका है इवनिंग के 5:30, मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और दूध को बॉईल करूंगी। मुझे करनी है मेथी साफ, क्योंकि मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे, इसी टाइम बनाऊंगी। अगर मैं मेथी के पराठे सुबह बनाऊँ तो मंजीत के लंच टाइम तक फिर वो ठंडे हो जाते हैं, इसलिए मैं शाम को ही बनाऊंगी, ताकि वो भी गर्म गर्म खा ले और मैं भी खा लूँ। तो चलिए बने रहिए, दिखाती हूँ आपको भी साथ साथ। सबसे पहले तो मैं करूंगी दूध को बॉईल, को पियेंगे तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ज्यादा गर्म नहीं पियेंगे। तो जी
चाय भी बन गई मेरी। सबसे पहले तो मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं करूंगी मेथी साफ, क्योंकि टाइम हो चुका है आई थिंक 6:15। तो चलिए दिखाती हूँ आपको भी साथ साथ। तो जी, हरी मिर्ची लहसुन को मैं पीसूंगी मिक्सी में। पत्ते मैंने धो लिए हैं, ये इनको भी बिल्कुल हल्का सा इसमें घुमाऊंगी, उसके बाद मैं करती हूँ पराठों की तैयारी। तो जी, मैंने इसमें डाल दिया गेहूं का आटा, नमक, बेसन, मेथी, लहसुन, हरी मिर्ची। चलिए मैं आटा लगाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको आगे का। सबसे पहले तो मैंने तवा रख दिया है, आटा लगाए हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आटा मेरा सेट हो चुका है। अब मैं करती हूँ रोटी बनाने की तैयारी, चलिए दिखाती हूँ आपको भी साथ साथ। तो जी, आटे की लोई मैंने कर ली है तैयार, थोड़ा सा आटा इस पर फैला देती हूँ। चलिए अब मैं करती हूँ बनाना स्टार्ट, दिखाती हूँ आपको भी साथ साथ। फर्स्ट पराठा मेरा बन चुका है, मैंने डाल दिया तवे पे। इससे अगला मैं बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं करूंगी घी की स्टफिंग, दिखाती हूँ आपको भी। एक बार इसको सेकती हूँ मैं। तो जी, मेरा बीच बीच से पराठा फूल चुका है, इसका मतलब सिक चुका है, देखिए। अब मैं लगाती हूँ पराठे पे घी। अगर आपको सॉफ्ट पराठा खाना है तो आप तेज आंच पे बनाए, अगर कुरकुरा पराठा खाना है तो आप मीडियम फ्लेम पे बनाए। मैंने सेकंड पराठा बेल लिया, मैं इस पे लगा रही हूँ घी। अगर आपका दिल करे तो आप इसको तिकोना बनाए या चौरस बनाए, जैसा आपका दिल करे आप इसको वैसा बना सकते हैं, मैं तो इसको तिकोना ही बनाऊंगी। चलिए मैं एक बार इसको बेल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो ये है मेरा सेकंड वाला पराठा। हाँ जी, तो ये वाला पराठा भी मेरा सिक चुका है, चलिए मैं इसको उतार लेती हूँ। मेरी प्लेट हो चुकी है रेडी, 3 पराठे, आलू गोभी की सुबह की सब्जी, दूध, गुड़, चटनी मैं खाऊंगी नहीं। चलिए चलते हैं, यहाँ पे चल रही ऑनलाइन क्लास, समझ नहीं आया। ये हमारा स्टडी रूम, क्योंकि आप सभी को पता है मंदिर में बेड नहीं होता, इस वजह से एक दो तीन। अच्छा, अब इतना काम करना है ना इन्होंने, यानी कितना खाना खत्म करना है, और इन्होंने कितना कर दिया, 87 ये कर दिया इन्होंने, है ना। तो इसको हटा देते हैं, अब इन्होंने इतना करा है तो ये डिवाइड करना है ना, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है बस यहां से। क्योंकि ये 750 ग्राम है ना, ये इतना ऐसे करके देता नहीं है यार, इसने कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव बना दिया। तो जी, अभी टाइम हो चुका है रात के 10:30। मंजीत ने पहले तो क्लास ली थी 9:30 बजे तक ऑनलाइन, उसके बाद वो गए हैं, उसके बाद वो गए थे मार्केट, उसके तो जी 9 बजे तक मंजीत ने ली थी ऑनलाइन क्लास, उसके बाद वो मार्केट चले गए, फिर 9:30, फिर 9:45 या 10 बजे वो मार्केट से आए, फिर मैंने उनके लिए रोटी बनाई, अब उन्होंने रोटी खाई है, अब मेरा सारा काम हो गया है, अब है मेरे सोने की तैयारी। तो जी, इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आप सभी को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो और आप सभी मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। तो जी, बाय। तो जी, अभी टाइम हो चुका है रात के 10:30। 9 बजे तक मंजीत ने ली थी ऑनलाइन क्लास,
उसके बाद वो मार्केट चले गए। मार्केट से आए, फिर मैंने उनके लिए रोटी बनाई। अब उन्होंने रोटी खाई है, अब मेरा सारा काम हो गया है, अब है मेरे सोने की तैयारी। तो जी इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आप सभी को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो और आप सभी मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। तो जी बाय।